और नेशनल क्रिएटर कीर्ति ने शेयर की अपनी स्टोरी, जीवन में अपने संघर्ष की इमोशनल कहानी सुनाई। कीर्ति की इंस्टा पोस्ट वायरल हो रही है। पीएम मोदी के हाथों अवार्ड मिला तो बदली सोच, खुशी से फूले नहीं समा रहे कीर्ति के माता पिता। तो नेशनल क्रिएटर्स का अवार्ड हासिल करने वाली कीर्ति ने अपने इंस्टा पर जो कहानी शेयर की है वो बेहद इमोशनल है। तो बेहद इमोशनल कहानी साझा की गई है कीर्ति की तरफ से। कीर्ति ने क्या लिखा है आइए आपको दिखाते हैं। मैं तब 15 साल की थी। एक रात मैंने अपने पिता को रोते हुए सुना, क्योंकि गांव के लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे। जीवन भर वो मुझ पर शर्मिंदा रहे। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। फिर क्या गलत हुआ? मैं बस चीजें अपने आप करना चाहती थी। मैं अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। तुम्हें पता है, हम लड़कियों को पास के दुकान में जाने की इजाजत नहीं थी। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे अपने भाइयों से भीख मांगनी पड़ती। एक बार मैं उस दुकान पर गई जो सचमुच 100 मीटर दूर थी, और इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा गया। बुनियादी चीजों के लिए मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। मैं अपने जीवन में केवल एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ग्रेजुएट के लिए इतिहास को चुना, ताकि मैं आर्कियोलॉजी में पीजी कर सकूं। लेकिन एक बार जब मैं ग्रेजुएट हो गई तो उन्होंने कहा कि शादी करना ही काफी है। मुझे आज भी याद है कि मैं उस दिन किस तरह बेबसी से रोई थी। फिर मैंने रास्ते में जो भी काम किया वो करना शुरू कर दिया। मैंने ट्यूशन दी, होम ट्यूशन दिए, रिसेप्शनिस्ट समेत और भी बहुत काम किया। यहाँ तक कि इलेक्ट्रीशियन के रूप में भी काम किया। सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने में मुझे लगभग 1.5 साल लग गए। मैं और पापा पूरे 6 साल तक बात नहीं कर रहे थे। वो मुझसे कितने निराश थे। मेरे माता पिता को मत आंकिए, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। गांव में सिर्फ आपके माता पिता ही आपके लिए निर्णय नहीं लेते, रिश्तेदार एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चीजों को संतुलित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मेरे साथ खड़े होने की पूरी कोशिश की। मैं सचमुच एक सख्त बच्ची थी। अब 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए मैं उन्हें पहली बार उड़ान पर ले गई, और उन्होंने मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखा। मैं इस भावना को समझा नहीं सकती यार। जब मैंने उन्हें देखा तो वो 7वें आसमान पर थे। जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, यार मैं जिंदगी में जीत गई। आशा है कि आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए रास्ता कम कांटों से भरा होगा। आशा है कि उन्हें एहसास होगा कि आपकी लड़की को शिक्षित करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ भाग जाएंगी। उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें जिंदगी में कुछ बनने दीजिए।